नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल फैक्ट डायरीज में आपका हार्दिक स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आते हैं सच्चे और अच्छे फैक्ट्स। साइंटोलॉजी एक ऐसा धर्म जो सेक्स और शैतान की करवाता है पूजा। ऐसे धर्मों के बारे में तो आप जानते ही होंगे जो ईश्वरीय ताकत और इंसानियत के प्रचार प्रसार में विश्वास रखते हैं। अभी तक हम जिन जिन धर्मों और संप्रदायों के बारे में सुनते आए हैं वह तो काफ़ी हद तक शालीनता का पाठ पढ़ाते हैं, लेकिन आज हम आपको जिस धर्म से रूबरू करवाने जा रहे हैं वह आपको दुनिया से अलग कर सिर्फ सेक्स और शैतान की पूजा में सौंप देते हैं। आप अपने परिवार और अपने आप से इतनी दूर चले जाते हैं कि वापस आने का आपके पास कोई रास्ता तक नहीं रहता। इस अजीबोगरीब धर्म का नाम है साइंटोलॉजी। क्या है साइंटोलॉजी? वर्ष 1955 में एल रॉन हवर्ड ने साइंटोलॉजी की खोज की थी। इसे तकनीक कह लीजिए, विज्ञान या फिर धर्म, लेकिन साइंटोलॉजी का अनुसरण करने से व्यक्ति अपने आए दिन की परेशानियों से मुक्ति पा लेता है। उसे ना तो नौकरी की फिक्र सताती है, ना बच्चों की सफलता और असफलता के भेद से भी वह मुक्त हो जाता है। यहाँ तक कि वह इस फिक्र को भी पीछे छोड़ देते हैं कि उनके वास्तविक हालात कैसे हैं। साइंटोलॉजी का अनुसरण करने वाले लोगों का सिद्धांत इलेक्ट्रोसाइकोमीटर या ईमीटर नामक एक विशिष्ट यंत्र से जुड़ा है जो आत्मा, रूह, दिमाग और इंसानी भावनाओं को माप सकता है, उसका आकलन कर सकता है। उल्लेखनीय है कि साइंटोलॉजी में 30 साल तक के लोगों को शामिल किया जाता है। जिन बच्चों को साइंटोलॉजी की शिक्षा प्रदान करने के लिए भेजा जाता है उन्हें एक मिलिट्री बूट कैंप की तरह रहना पड़ता है, जहाँ ई मीटर के जरिए उनके शरीर में बहुत ही हल्का बिजली का करंट दौड़ाया जाता है और फिर उनसे, क्या आपको लगता है आप बड़े होकर पागल हो सकते हैं? क्या आपका कोई सीक्रेट है? क्या आपने कभी जासूसी की है? क्या आपको कोई पागल लगता है? क्या आपको अपने माँ बाप पर कभी शर्म आई? आदि जैसे अजीबोगरीब सवाल पूछे जाते हैं। इस धर्म के मानने वाले लोग ईश्वर में आस्था को दरकिनार करते हैं, व्यावहारिक तौर पर पूरी तरह स्वच्छंद होते हैं। वह किसी के भी साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए स्वतंत्र होते हैं। साइंटोलॉजी के पूर्व सदस्यों का कहना है कि इस संप्रदाय में शामिल होने वाले लोगों को भी ऑर्गेनाइजेशन नामक एक संस्था में रखा जाता है, जहां उन्हें अपने परिवार, दोस्तों और करीबियों से काफ़ी दूर रखा जाता है और उन्हें उनसे संपर्क साधने तक की भी मनाही होती है। साइंटोलॉजी चर्च के अनुसार परिवार से दूर रहने वाले लोग आत्मिक और शारीरिक तौर पर शुद्ध हो जाते हैं, लेकिन इस संप्रदाय के बहुत से ऐसे पूर्व सदस्य हैं जो इसे मात्र अंधविश्वास मानते हैं। साइंटोलॉजी धर्म के फेमस अनुयायी। फेमस हॉलीवुड स्टार टॉम क्रूज इस धर्म के सबसे बड़े अनुयायी हैं। यहाँ तक कि वह अपनी और केटी होम्स की 6 वर्षीय बेटी सूरी को भी साइंटोलॉजी चर्च में भेजना चाहते थे। अपनी बेटी को बचाने के लिए ही केटी होम्स ने अपने पति से तलाक लिया, लेकिन उनका कहना था कि बेटी को ना भेजने का निर्णय लेने के बाद और तलाक लेने से पहले की अवधि में जब वह अपने पति से अलग रहने चली गई थी, तो इस बीच साइंटोलॉजी चर्च से जुड़े लोग उन पर नज़र रखते थे और उनका पीछा किया करते थे। वह हर समय केटी और सूरी के आसपास होते थे। लोकप्रिय हॉलीवुड गायिका और अभिनेत्री जेनिफर लोपेज और उनके गायक पति साइंटोलॉजी के अनुयायी हैं और इस धर्म के अनुयायी यह मानते हैं कि अस्पताल का माहौल और डॉक्टरों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले औजार बच्चे के भविष्य के लिए ठीक नहीं है। इसलिए उन्होंने बिना किसी दवाई के सहारे प्राकृतिक प्रसव पीड़ा को महसूस किया था। अगर आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके सामने जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। फिर मुलाकात होगी एक ऐसे ही सच्चे और अच्छे फैक्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।